नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। इस समय देश में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि लगातार देश में जो इस वायरस के चलते मौत होने की दर है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की बेटी योगिता सोलंकी का भी हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। आपको बता दें कि योगिता सोलंकी 43 वर्ष की थी और वो कोरोना से पीड़ित थी, जिनका इलाज इंदौर के मेदांता अस्पताल में चल रहा था और इलाज के दौरान ही उनकी हार्ट अटैक पड़ने के चलते उनका निधन हो गया। आपको बताते चलें कि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भारत सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के मंत्री हैं और लगातार जिस तरीके से हम आपको साथ ही बताएं, जिस तरीके से कोरोना वायरस का मामला लगातार देश में बढ़ता जा रहा है, इस वायरस में जहां आम लोगों की जान तो जा रही है, वहीं कई नामचीन हस्तियों की भी जान इस जानलेवा वायरस के चलते गई है। अभी कुछ दिन पहले की खबर सामने आई थी कि जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिता की भी कोरोना के चलते निधन हुआ था। वहीं इंडिया टुडे ग्रुप के एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना भी कोरोना से पीड़ित थे, उनकी भी तबीयत बिगड़ी और उनका भी निधन हो गया। तो लगातार कोरोना वायरस का असर देखने को मिल रहा है, इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस जानलेवा वायरस के समय में अगर आपको बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें, और अगर घर से निकलते भी हैं तो सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना से बचाव का, उसका लगातार पालन करें, सख्ती से पालन करें, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हर दिन लगभग 3.5 लाख से भी ज़्यादा जो मामले हैं वो पूरे देश से निकल के सामने आ रहे हैं और 3,000 से ज़्यादा मौत प्रतिदिन हो रही है। इसलिए कोरोना वायरस के जो प्रकोप है उससे अगर हमको बचना है तो उसके लिए बचाव भी हमको खुद करना होगा। इसलिए सजग रहें और सतर्क रहें।